बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। हाय मैम, दिस इज एमजे जीशान फ्रॉम बोल इंडिया न्यूज़। आप इस बार दूसरी बार नागपुर आई है और आपको किसी की तारुफ की जरूरत नहीं है। आपका चेहरा देखकर लोग पहचान जाते हैं कौन ये खूबसूरत हसीना है, कौन एक्ट्रेस है। और आप एक डॉक्टर भी है, एक साइकोलॉजिस्ट भी है, आप एक सुपर मॉडल भी है, एक एक्ट्रेस भी, इतने सारे कामों को एक साथ कैसे कर लेती है आप? एक चीज भूल गए मैम, सॉरी, कि इंडिया के आखिरी और फर्स्ट मिसेस वर्ल्ड है। ये चीज आप भूल गए। इतने सारे डेडिकेशन कैसे याद रखेगा मैम, इतनी सारी तरक्कियां एक साथ कैसे मुमकिन? फर्स्टली थैंक यू जीशान, आपने इतना वार्म वेलकम किया और यही वजह है कि मैं जब नागपुर आती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यार देते हैं, दे आर वेरी वार्म, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। और हाँ, यहाँ की बर्फ़ी भी बहुत अच्छी है, वो भी मुझे पता है, खाना भी बहुत अच्छा है, तो वो मज़ा आता है। ये जो सब मैंने किया है, ये जब मैं सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कि अरे और कितना कुछ करना बाकी है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी की जब तक लास्ट मेरी सांस रहेगी तब तक मैं कुछ ना कुछ करते रहूँ, ताकि मैं खुद को ही नहीं लेकिन दूसरों के साथ भी एनरिचमेंट का प्रोग्राम या लोगों को भी सुधार सकूँ, तो यही मेरी तमन्ना है। एक्चुअली ये मेरी सेकेंड ट्रिप नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ नागपुर, कई बार फैशन शोज़ के लिए आई हूँ, इवेंट्स के लिए आई हूँ, इनॉग्रेशन के लिए आई हूँ, लेकिन हाँ अभी हाल ही में ये मेरा एक्चुअली थर्ड ट्रिप है, क्योंकि सेकेंड टाइम मैं पेंच गई थी, यहीं से गई थी। तो नागपुर में यही बदलाव मैंने देखा है कि बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ऑब्वियसली नागपुर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे एक शॉक लगा था, क्योंकि ये इतनी क्लीन सिटी है, इतनी प्रिटी सिटी, और तभी तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू भी नहीं हुआ था। तब से मैं देखते आई हूँ कि नागपुर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़, ये पहले से मैं बोल रही हूँ, 15-20 साल हो गए करीबन, तो तब से क्लेनलीनेस तो है ही, लेकिन अभी आई थिंक प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स या बिल्डिंग्स बहुत सारी बन गई है, तो ये सब जो प्रोग्रेस है ये तो बहुत ही एविडेंट है। जी एक्चुअली मैंने अभी OTT में काम करना शुरू किया है, तो 30th मई को एस्केप नाम की एक OTT सीरीज है जो हॉटस्टार पे आने वाली है, और दूसरी जो है वो अगस्त में नेटफ्लिक्स पे आएगी, जिसका नाम है Mismatch 2। तो अब फोकस तो OTT पे ही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, अलग अलग तरीके के रोल्स प्ले करने को मिलते हैं, सो दैट इज़ व्हाट माय फोकस है। आप जैसा बड़ा चेहरा अगर OTT पे जाएगा मैम तो और एक अच्छी पहचान मिलेगी OTT को भी। साउथ के मूवीज को अगर लेकर बात करें तो काफी सारी ऐसी मूवीज आ रही है जो टक्कर दे रही है बॉलीवुड को, हाँ। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा ही है, जितना कॉम्पिटिशन होता है मेरे हिसाब से वो तो बहुत ही अच्छा है। और कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं तो मैं यही भी अनाउंस करना चाहूँगी यहाँ पे कि मैंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड जो पैजेंट होता है इंडिया में, जिसकी विनर विल गो फॉर मिसेज वर्ल्ड पैजेंट जो मैंने जीता है, तो वो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो वो विद स्निग्धा मैम्स आशीर्वाद और आप सबके ब्लेसिंग्स के साथ मैं यही चाहूँगी कि जिनको भी जो भी मिसेज है जो चाहती है कि हम वो क्राउन वापस लेके आए, 20 साल हुए मुझे जीत के, हमें अब ये क्राउन वापस लाना ही है इंडिया के लिए, तो वो जो है वो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है मिसेज इंडिया वर्ल्ड के लिए, तो जून में होने वाला है, तो हुएवर इज मैरिड, हुएवर वांट्स टू पार्टिसिपेट, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अजीत जी, पिछले 2 साल जो गुजरे हैं कोविड के काफ़ी हार्ड गुजरे हैं, आपने और हमने कहीं ना कहीं अपनों को खोया भी है, और उसी दरमियान OTT जो आपने कहा कि OTT में आप गए जी, OTT और ऑफ OTT दोनों कैसे देखते हैं? बल अभी मेरे हिसाब से क्या हुआ है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है, तो जैसे मैंने आज आते वक्त बम्बई से यहाँ फ्लाई करते वक्त एक फिल्म देखी, अपने फ़ोन पे देखी, तो ये जो हमें फ्रीडम मिला है तो वो OTT के वजह से ही मिला है, सो इट हैज़ गॉट इट्स ओन प्लेस। हाँ, वो जो फीचर फिल्म का चार्म है, जो थिएटर में जाके बड़े पर्दे पे देखना, वो तो अलग ही है, लेकिन आज की नीड OTT हो गई है, क्योंकि इट्स बिकम मोबाइल, यू नो, इट कैन ट्रैवल विथ यू। स्टार इंडिया अवार्ड की बात करें तो क्या कहें? ये एक बड़ी स्टार है जो हमारे बगल में बैठी है, इन्होंने ये शुरू किया है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है स्निग्धा जी, मैंने बहुत सारी तारीफें सुनी है इनकी कई लोगों से, सो हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि आज के दिन में एक इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ करना, इट्स ट्रूली ट्रूली कमेंडेबल, क्योंकि आई एम डूइंग दिस इवेंट नाउ, राइट, मिसेज इंडिया वर्ल्ड, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत
होती है एक इवेंट टू ब्रिंग इट टुगेदर एंड आई कैन सी इतने सारे प्यारे प्यारे चेहरे हैं, सो दैट मींस इट्स अ सक्सेस। खास तौर से आपसे मैं सवाल करूंगा, फ्यूचर इवेंट की अगर हम बात करें, जैसा ऑरेंज सिटी में बर्फी तो खा के जा चुके हैं, तो ऑरेंज के अलावा कहीं और ले जाके खिलाएंगे कुछ? बिल्कुल, इंदौर में मैंने सोचा है, भोपाल भी मैंने सोचा है, और अभी मतलब सब जानते हैं मेरी आदत कि अगर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि दीदी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो अब मेरे कितने सारे इवेंट होते हैं वो तो आप तक सब पहुंच ही जाएगा, और नागपुर में भी होगा दोबारा इनके साथ। जी सर, आप क्या कहते हैं? वेल, मेरा स्निग्धा जी के साथ में करीब करीब आज तीसरा साल है हम लोग साथ में जुड़े हुए, इनके हर इवेंट में मैं साथ में रहता हूँ, और जो जो हम छोटे लेवल पे हम लोगों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की फील्ड है हम लोग, और मेनली सारे मेकअप आर्टिस्ट, टीवी सीरियल्स, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट वगैरह को हमारे ज्वेलरी ऑन रेंट जाते हैं, इवन फॉर ब्राइडल शूट्स जाते हैं, तो हम लोग स्पेशलाइज बेसिकली ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह में करते हैं। ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा लेवल का है, लेकिन हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं एज ए ज्वेलरी पार्टनर और सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा जो कस्टमर बेस है इज़ ऑल मेकअप आर्टिस्ट। मेरे 99% जो कस्टमर बेस इज ऑल मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो हमारी ज्वेलरी ऑल ओवर इंडिया जाती है, तो वही एक रीज़न है कि मुझे लगता है कि मैं इनके साथ जुड़ सकता हूँ इवेंट में, बिकॉज आई फील इट्स माई ओन इवेंट, तो बस यही है कि नथिंग मोर टू से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस इवेंट के लिए बस ये कहना चाहूँगा, स्निग्धा बहन से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, और हमेशा इनके शोज़ को मैंने बहुत अच्छे से सक्सेसफुल इवेंट करती हैं, और मैं ज़्यादातर इनके शोज़ में हमेशा साथ रहा हूँ, और अभी अपकमिंग इनके जो मध्य प्रदेश में भी इवेंट होने जा रहे हैं उनमें भी मैं साथ हूँ, और मेरे इवेंट जो हो रहे हैं हम साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बेस्ट है एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के रूप में इनसे बेस्ट फीमेल में इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो नहीं सकता, तो बहुत अच्छा काम करती हैं दबंग लेडी। मेरा यही सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी आप का ध्यान रखिए, फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों ही तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, प्लीज़ अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए, सेल्फ केयर इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ केयर। आप जैसे कि पूरे नागपुर घूमते रहती है, मतलब पूरी दुनिया घूमी है, नागपुर भी आप काफ़ी एक्सप्लोर करती है, नागपुर में कोई ऐसी खास जगह बर्फी के अलावा आपको कौन सी लगती है? ऐसी तो कई जगह है, जैसे मैं जहाँ पे भी रहती हूँ ना, वहाँ मैंने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है नागपुर। तुली इंटरनेशनल होटल का नाम है, जो कि मैं जब से आई हूँ ना, बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज करके दे रहे हैं, तो उसके लिए भी मैम थैंक यू बोलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।